अंबिकापुर शहर के भगवानपुर में स्थित एक ज्वेलरी दुकान में बाइक सवार तीन लोगों के द्वारा शटर तोड़कर लाखों की जेवरात की चोरी का मामला सामने आया है। इस चोरी की वारदात दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। दरअसल गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भगवानपुर साईं मंदिर के पास स्थित माधुरी ज्वेलर्स के दुकान संचालक ने बताया कि बीती रात दुकान बंद करवा कर घर चले गए थे। आज सुबह बगल के पड़ोसी दुकानदार ने फोन के माध्यम से सूचना दिया कि उनका दुकान खुला हुआ है। ज्वेलर्स दुकान संचालक जैसे ही दुकान पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। शटर टूटा हुआ था और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। मिलान करने पर सोने और चांदी के कुल 4 लाख के सामानों को अज्ञात चोर ने चोरी कर दुकान खाली कर दिया है। ये दुकान में मेरा स्वेटर का दोनों तरफ का कुंडी टूट गया है, तोड़कर चोर लोग घुसकर चोरी करके ले गए सामान, करीब करीब 4 लाख का। और जब सुबह हुआ तो ये मेरे बगल वाले भैया, चाय वाले भैया, चाय दुकान है, वो फ़ोन करके बोले कि आपका स्वेटर खुला है। हम लोग आए दुकान में, घुसे तो पूरा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और करीब करीब 4 लाख का चोरी हो गया है। हाँ, शिकायत किया है गांधीनगर थाना, पुलिस वुलिस आए थे, सब अपना छानबीन करके गए। वही चांदी के कई सामान जमीन पर भी बिखरे पड़े हुए थे। इसके साथ ही चोरों ने दुकान के गल्ले को भी तोड़ दिया था। वहीं चोरों के द्वारा चोरी करने के यह वारदात पास लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जहां बाइक सवार तीन युवकों के चोरी के वारदात को अंजाम दे फुटेज मिला है। आधे घंटे के अंदर चोरों ने 4 लाख के सामानों पर हाथ साफ कर दिया है। दुकान संचालक की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची गांधीनगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच में जुड़ गई है। हाँ, ये चोरी का जो मामला है, कल रात दरमियानी की रात की घटना है ये, और इसमें प्रार्थी जो है हरे राम सोनी है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इनका एक दुकान संचालित है साईं बाबा कॉलेज के पास में, माधुरी ज्वेलर्स के नाम पर किराए का दुकान में संचालित करते हैं। तो अज्ञात चोरों के द्वारा कल रात्रि इनके दुकानों से कुछ चांदी और कुछ मंगलसूत्र करीबन करीब 1,30,000 रुपये का कीमती जो है उसको चोरी करके ले गए बताया गया है। सर, किस प्रकार की जांच की जा रही है इसमें? इसमें अभी हमारी टीम लगी हुई है, आरोपियों का फुटेज सामने हमारे प्रकाश में आया है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। चोरों के द्वारा घटना में मोटरसाइकिल प्रयोग किया गया है। फुटेज के हिसाब से अभी तीन चोर इसमें दिखाई दे रहे हैं और तीनों के द्वारा अपने चेहरे को ढकने का प्रयास किया गया है।